नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान, हमारे खास एपिसोड एमएस वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे होम टैब के ऑप्शन के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने एमएस वर्ड के यूजर इंटरफेस के बारे में बताया हुआ था। अगर अब तक कि आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो आप वहां पर जाकर के इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में, आपको हर एक चीज़ अच्छे से मालूम हो सके ताकि आप उसका यूज़ अच्छे तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देंगे, अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दे रखे इस तरीके लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे जरूर दबाएँ ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि एमएस वर्ड के बारे में। हाँ तो दोस्तों चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग अपना ओपन कर लेते हैं अपना वर्ड और इस पर हम लोग राइट क्लिक करके, साइकन पर राइट क्लिक करके हम लोग ओपन कर लेंगे अपना वर्ड। तो राइट क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे और आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पहले पार्ट में जैसा कि बताया हुआ था कि होम टैब के बारे में, इस होम टैब में क्लिप बोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ, फिर स्टाइल है और एडिटिंग के बारे में। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं कि इस पर हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इस पर मैटर लेके आते हैं, तो हम लोग मैटर कहीं से भी ला सकते हैं, जैसा कि मैं अपने नेट से मैटर लेकर के आ रहा हूँ। तो जो भी चीज़ आप लाना चाहते हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग मैटर यहाँ से ले लेते हैं। और तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा टेक्स्ट मैटर पेस्ट कर लिया है कॉपी करके और आप लोग यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्लिप बोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों क्लिप बोर्ड में आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट का, उसके बाद है आपका कट का, फिर है कॉपी का। तो दोस्तों ये तीन ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। और इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे तो आपको बता दें कि देखिए जब भी कोई चीज़ हमें यहाँ से, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, अगर हमें कट करना है तो हमने यहाँ से जितना भी हमें कट करना है उसको हमने यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इस वाले पर बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, आपके कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो भी वही फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां से कट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो पैराग्राफ यहां पर से पूरा का पूरा कट हो गया है। अगर आप चाहते हैं वही पैराग्राफ जो कट हुआ है वो नीचे की ओर एज इट इज़ पेस्ट हो जाए, यानी कि आप लोग नीचे की ओर वो पैराग्राफ यहां पर ले आएँ, तो इसके लिए हमें जो कट किया हुआ था फिर उसके बाद हमें यहां पर पेस्ट करना होगा। तो इसके पेस्ट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे जो कि पेस्ट हो गया है। अब आप देखेंगे कि जो चीज़ ऊपर थी वो अब हम नीचे की ओर लेकर चले आए हैं। अब दोस्तों कट का और पेस्ट के बारे में आप समझ गए होंगे, अब आप चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ को हम यहाँ भी रहने दें और नीचे की ओर भी लेके आ जाएं। तो यानी कि एक ही चीज़ अगर हम दो बार लाना है तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर दिया हुआ एक ऑप्शन कॉपी, तो इस कॉपी जिसका शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी भी कर सकते हैं कीबोर्ड से या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे जहाँ पर भी आपको इसको लाना है इस पर यहाँ पर कर्सर अपना रखेंगे और उसके बाद फिर से इसे पेस्ट करना होगा जिसका शॉर्टकट की है कीबोर्ड से कंट्रोल भी। तो आप देखेंगे सेम एज इट इज़ वही चीज़ जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप चाहे कट करें या करें कॉपी, हर हाल में आपको दूसरी जगह लाने के लिए पेस्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि इन दोनों के लिए हमें पेस्ट करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट है वो है फॉन्ट। दोस्तों हम लोग याद रखिए कि हम लोग सिर्फ उन्हीं टूल्स पर डिस्कस करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होंगे और सबसे ज़्यादा आपको काम देंगे। तो दोस्तों अब हम फॉन्ट पर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फॉन्ट क्या है, देखिए जो भी आप ये टाइप कर रहे हैं ये आप एक फॉन्ट में टाइप कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, हर फॉन्ट का एक अलग अलग नाम होता है, उसका अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉन्ट का नाम अगर आप कोई पूछे तो ये फॉन्ट कौन सा है, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एरियल, ये हमारा फॉन्ट का नाम है जिसे हम लोग बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे डिज़ाइन के फॉन्ट आ जाएंगे जो कि आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये डिज़ाइन दूसरा हो गया और अगर हम दूसरा डिज़ाइन करना चाहें तो ये डिज़ाइन हमारा दूसरा हो जाएगा। और फिर आप अगर चेंज करके यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन दूसरा हो जाएगा और फिर उसके बाद ये अगर हम दूसरा यहाँ पर लगाना चाहें तो यहाँ पर से हम दूसरा अपना डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो
तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग डिजाइन के हमने फॉन्ट को लगा लिया है, और अब आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा फॉन्ट है तो आप यहाँ पर से देख करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा फॉन्ट यहाँ पर लगाया गया है। अब दोस्तों उसके बगल में है फॉन्ट का साइज, तो इस फॉन्ट के साइज को अगर हमें थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पर से हम लोग अपने इस फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर भी 11 पॉइंट में फॉन्ट का यूज़ किया गया है, तो अगर अब हमें इसे 12 करना है या 14 करना है तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और आपका यह फॉन्ट ये 14 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ है इस फॉन्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए, तो आप देखेंगे कि इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर से अगर हम क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट बड़ा या फिर छोटा हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसा आपने शुरुआत में लगाया हुआ था फॉन्ट, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो आपका यहाँ पर क्लिक करने से आपका सारा का सारा फॉर्मेट वो जो है नॉर्मल हो गया है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं नीचे की ओर, यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं तो इसका यूज़ क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा एक टेक्स्ट है, अगर हमें इसे बोल्ड करना है यानी कि थोड़ा सा मोटा करना है तो हम लोग यहाँ पर बी पर क्लिक करेंगे और ये फॉन्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। अब अगर हमें इसे थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो आप लोग आई पर करेंगे, जिसे हम इटैलिक कहते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई, बोर्ड के लिए कंट्रोल बी, और इसे हम जैसे ही करेंगे इटैलिक तो आप देखेंगे थोड़ा सा तिरछा आपका हो गया। अब हमें इस पूरे के जो टेक्स्ट आपका है इस पर अंडरलाइन करनी है तो हम कंट्रोल यू करेंगे या फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगी, सभी के नीचे अंडरलाइन आ गई है। दोस्तों इस बोर्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज़ इस शॉर्टकट से हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और आपके सामने ये एक स्ट्राइक थ्रू दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट पर बीचों बीच में एक लाइन आ जाएगी। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दिया हुआ है, तो जैसे कि आपने देखा है कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं तो दोस्तों चलिए हम लोग टाइप कर लेते हैं कोई नंबर, तो अगर हम यहाँ पर 1 टाइप कर लिए हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट लिखना है तो यहाँ पर हम लोग ST करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर हमें कोई भी चीज़ फर्स्ट लिखना है तो जो ऊपर की ओर ST लिखा होता है तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, और अगर हमें नीचे की ओर जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कहते हैं। अब अगला हमारा है फॉन्ट का सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसके बाद टोगल केस। अब दोस्तों इसका यूज़ देखिए क्या होता है कि हम लोग अगर नॉर्मल टाइप कर रहे हैं और आपको चाहिए कि हर वर्ड हमारा पहला जो लेटर है वो आपका बड़ा हो, ठीक है, यानी कैपिटल हो, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर कई सारे दिए हुए हैं। ये हमारा है सेंटेंस केस, यानी कि जब भी हमारी लाइन शुरू होती है तो उसका पहला जो लेटर है वो बड़ा होता है, और उसके बाद आपको दूसरा दिया हुआ है लोअर केस, आपके जो भी हैं जितने भी आपका फॉन्ट में जो भी चीज़ आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपर लेटर यानी अपर केस, तो इसमें जितने भी हैं वो सब आपके ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, आपको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ कैपिटल ईच वर्ड पर क्लिक करेंगे तो हर लेटर का पहला जो हर शब्द का जो पहला लेटर है वो आपका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप टूगल करेंगे तो यहाँ पर हर शब्द का पहला जो लेटर है वो आपका स्मॉल होगा, बाकी के सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो रहा आपके पास, आपके सामने टूगल केस और अपर केस, लोअर केस और कैपिटल ईच वर्ड। ठीक है, अब इसके आगे की ओर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कलर की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कलर। ठीक है, तो इसका देखेंगे कलर के जो बैकग्राउंड है, जो आपका यानी कि जो आपका टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में आपका कलर यहाँ पर हो गया है, इसे हम लोग कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइटर कलर। ठीक है, अब अगर हम लोग जो है इसको कलर करना चाहें यानी कि टेक्स्ट को कलर करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग सिंपल फॉन्ट कलर पर जा करके इस पर क्लिक कर देंगे, अब आपका फॉन्ट का कलर यहाँ पर हो जाएगा।
दोस्तों ये तो रहा आपका फॉन्ट का, अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ। तो यहाँ पैराग्राफ में आपको कई चीज़ें दी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बुलेट दिया हुआ है और उसके बाद में पैराग्राफ शिफ्टिंग दी हुई है। दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके आगे एक बुलेट लग जाएंगे। तो बुलेट जाने की आपको अलग अलग डिफाइन ऐसा होगा कि आपको कुछ भी चीज़ें नंबरिंग वाइज देना है या फिर आप बुलेट का यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जैसे एंटर करेंगे आप तीन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपके नंबर्स बढ़ते रहेंगे। दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको जैसा चाहिए उस तरीके से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं उस तरीके से आप बुलेट लगा सकते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका लेफ्ट साइड, सेंटर साइड और फिर आपका है राइट अलाइनमेंट और आपका यहाँ पर जस्टिफाई। ठीक है, अब आइए इनका यूज़ भी हम लोग देख लेते हैं कैसा इनका यूज़ होगा। अब इनके यूज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमें लेफ़्ट में करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट में है तो यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट कर लेंगे। अगर हमें सेंटर करना है इसी टेक्स्ट को तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो लाइन हमारे पूरा पूरा पेज के सेंटर में आ जाएगा। फिर हम यहाँ राइट से अगर करना चाहें तो ये पूरा हमारा पेज के राइट साइड से शुरू होगा। फिर अगर जस्टिफाइड अगर हम करना चाहें तो जो भी टेक्स्ट आपने लिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि अभी आपका लेफ़्ट से है, यानी कि एक तरफ तो बराबर है लेकिन दूसरी तरफ आपका बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोनों तरफ आपका बराबर हो जाएगा। जैसा कि आपने किसी बुक वगैरह में देखा होगा जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो दोनों तरफ से बराबर होता है। अब दोस्तों चलिए हेडिंग की ओर चलते हैं हम लोग, और इस हेडिंग की ओर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर हेडिंग नॉर्मल दी हुई है। फिर आपका स्पेसिंग, नो स्पेसिंग यानी कि दो लाइन के बीच का जो स्पेस है वो देखेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वो स्पेस ख़त्म हो गया है। फिर आप हेडिंग वन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसी हिसाब से जो हेडिंग का यहाँ पर साइज़ है, फॉन्ट है, कलर है वो लग गया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे टू, यानी कि आप जो भी स्टाइल है आपकी हेडिंग की उस स्टाइल में आप हेडिंग दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चाहेंगे फाइंड का, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जो चेंज स्टाइल है तो स्टाइल पर आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हर डिज़ाइन के यहाँ पर स्टाइल आपको दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपको नहीं दे रखे वो यहाँ पर आपसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग एडिटिंग की ओर। एडिटिंग में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड, तो कंट्रोल एफ इसका ऑप्शन है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है तो वो हम लोग ढूंढ सकेंगे। जैसे कि अगर हमें सर्वर ढूंढना है, यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है सर्वर, तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल एफ करेंगे, उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे सर्वर और यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ भी सर्वर लिखा है वहाँ पर आपका पीछे बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा और आप वहाँ से आसानी से ढूंढ सकेंगे। तो ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर आपका सर्वर लिखा हुआ है वहाँ पर ऑटोमेटिकली फाइंड कर ले रहा है। अब दोस्तों हम चाह रहे हैं कि इस सर्वर की जगह कुछ और कंप्यूटर लिख जाए, यानी कि कुछ और लिख जाए शब्द, तो यहाँ पर से दिया हुआ है रिप्लेस। तो इसके सर्वर लिखेंगे जहाँ पर जिसे हमें ढूंढना है उसको रिप्लेस किससे करना है। अगर हम यहाँ कंप्यूटर लिख देते हैं और अब हम इसे रिप्लेस करना चाहेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है रिप्लेस। तो इससे देखिए आप जहाँ जहाँ सर्वर लिखा है वहाँ हमारा ये कंप्यूटर हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस है जो कि यहाँ से आपका आएगा और ये आपका रिप्लेस हो गया। तो जैसा कि हमने फाइंड देखा था यहाँ रिप्लेस भी देख लिया है, सेम वही चीज़ होगी जो हमने पहले किया हुआ है। और उसके बाद ये तो रहा, ये हमारा सेलेक्ट ऑल, तो आप देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट पूरा का पूरा जो भी हमारा टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया है। इसे हम जस्टिफाई कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा पूरा पूरा ये जस्टिफाई हो गया है। तो कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मेटिंग हो जाएगी अगर आप करना चाहेंगे। अगर आप इसे बेहतर करना चाहते हैं तो आपका इससे बेहतर भी हो जाएगा। तो ये तो रहा आपके होम में जितने भी टूल्स यहाँ पर दिया हुआ है इन सभी का यूज़ करके हमने दिखा दिया है, और आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंसर्ट पर लेकर के आएंगे, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज की इस वीडियो में आपने क्या कुछ नया सीखा और क्या कुछ आप पहले से जानते थे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात की करनी, नीचे रखी इस तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टक टकराएं, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन मिल रहा है उसे भी जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।